गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए मैं वीडियो जो लेके आई हूँ ना, वो है मेरे गार्डन का अपडेट। बेसिकली यहाँ पे क्या क्या चल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी चीज़ें नई हैं एंड आई होप कि आप लोगों को देख के अच्छा भी लगेगा। तो ये फ्लावर, कुछ दिन पहले मैंने इसकी पिक्चर आप लोगों से शेयर की थी, हालांकि वो दूसरा फ्लावर था, बट ये आज फिर एक और फ्लावर खिल रहा है जो थोड़ी ही देर में अभी खिल जाएगा, क्योंकि अभी जो है ना वो धूप उतनी तेज़ नहीं है। 8:15 का टाइम हो रहा है सुबह मॉर्निंग का, और बस थोड़ी देर में जैसे कि वीडियो कंप्लीट होगा मेरा, होपफुली ये भी तब तक खिल जाएगा। उसके साथ साथ ये वाली एक बड खिल रही है, आई होप कि ये भी शाम तक खिल जाएगी क्योंकि काफ़ी बड़ी हो गई है। उसके साथ ही हमारे रेड वाले अपने सदाबहार जो हिबिस्कस, और मैं एक्साइटेड हूँ एक्चुअली इसके लिए। इसका कलर है येलो, बट ये बड अभी बननी शुरू हुई है तो होपफुली कि ये बड चल पाए और इसमें भी हमें एक सुंदर सा येलो कलर का हिबिस्कस देखने को मिले। तो चलिए इसको भी थोड़ा टाइम देते हैं, तब तक हम आगे की अपडेट आप लोगों से शेयर करती हूँ मैम। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये मेरे हिबिस्कस ही हैं सारे, ये भी खिलने वाला है, देखिए वाइट वाला, ये देखिए ये वाला, ये कली है। बेसिकली छोटा है तो अभी कैमरा अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा इस पर, ये देखो। तो होप आपको दिख गया होगा, अभी भी बहुत सारी कलियाँ इसमें आ रही हैं, देखिए ऊपर से लेके यहाँ तक कितनी सारी बर्ड्स आपको नज़र आ जाएंगी एक ही फ्रेम में, राइट। तो ये नीचे तक है। उसके बाद ये देखिए, ये है मेरा गजानिया, ये मैंने लास्ट ईयर से सेव किया था, अब ये काफ़ी अच्छा चल गया है और इसमें बर्ड्स आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे बचाया लास्ट ईयर से बरसातों में, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं हो पाता इसके साथ, तो इसको आपको बहुत बहुत बचा के रखना पड़ता है पानी से। इसको मैंने डिवाइड भी किया है, प्रोपेगेट भी किया है, ये देखिए। बट ये प्रोपेगेट करके जो लगाया है, मतलब ये भी प्रोपेगेट किया था, अलग अलग शूज लगा दी थी, लेकिन ये काफ़ी अच्छा चल रहा है और इनमें मुझे अभी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। एक पौधा और है उस तरफ पीछे की तरफ को, वहाँ पे, लेकिन उसमें भी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है। तो अभी मैं कोशिश करूँगी इनको दोबारा रिपोर्ट करूँ, क्योंकि अब इसका सीज़न आ रहा है, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है। तो अभी नहीं मैं करना चाहती क्योंकि अभी बहुत गर्मी है, तो होपफुली 2-4 दिन मैं करूँगी इनको रिपोर्ट। और ये देखिए जितनी शूट्स हैं ना इसके नीचे आपको दिख रही हैं, जितनी भी शूट्स हैं इनसे आप नए नए पौधे बना सकते हैं। ये एक अलग हो गया, ये अलग हो गया, और भी उस तरफ है पीछे की तरफ को। तो इस पर फाइनली अब बर्ड आनी स्टार्ट हो चुकी है। एक मेरी हिबिस्कस की कटिंग थी, ये भी चल गई है, काफ़ी अच्छी हो गई है इसकी ग्रोथ भी, और फिलहाल तो ये छोटा है इसलिए मैंने इसी में रखा हुआ है इसको। चलिए आगे लेके चलती हूँ आपको। मेरे इसमें फ्लावर्स खिले थे पर अभी मुरझा गए हैं, और सेल्विया का भी ये एक ही पौधा है जो मेरा अच्छे से चल रहा है, ये देखिए। तो ये मेरी ही शेडो इसके ऊपर पड़ रही है ये। उसके बाद मेरे पिटूनियाज काफ़ी अच्छे हो गए हैं, ये देखिए। इस पर एक बहुत ही बड़ा फ्लावर खिला और बहुत सारी बर्ड्स हैं इस पर। इसकी अभी ग्रोथ स्लो है, ये देखिए, इसको देखो कितना बम्पर फ्लावरिंग पे आ गया, ये देखो कितनी सारी बर्ड्स हैं, बहुत सारी बर्ड्स अभी भी बनती ही जा रही हैं। सबसे अच्छी ग्रोथ इसी की है वैसे। उसके बाद इसमें भी बहुत सारी शूट्स आ गई हैं, बट अभी फूल लगने स्टार्ट नहीं हुए, कलर अभी भी सस्पेंस है इन दोनों का। उसके बाद ये है, इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है, और देखिए कितना सुंदर है ये, राइट। देखो इतने बड़े बड़े फ्लावर आ रहे हैं इसके, तो बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद ये है हमारे कुछ बैंगन, देखिए जिसपे लग रही है मिली बग भी, तो एक आधी देखो ऐसे मिली बग आपको लगती हुई नज़र आए ना ये, तो इसको साथ ही हटा दें, ये आपका न्यूट्रिशन ले लेगी। ये इसमें गिर गई मिट्टी में, इसको नीचे निकाल देते हैं, और ये यहाँ पे अपने एग्स भी देगी और फिर अपने मिली बग्स बहुत सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी के पीछे लग रहा है एक बैंगन छोटू सा, और फिलहाल तो इस पर एक ही बैंगन है। ये सारे पौधे मैंने ग्रो बैग्स में लगाए हुए थे, आप लोगों को पहले दिखाया होगा, यहाँ ही रखे हुए थे, जगह स्पेस भी खाली है। वो सारे ग्रो बैग्स एक्चुअली ये रूट बाउंड हो गए थे मेरे सारे पौधे, तो ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही थी। फिर मैंने इनको शिफ्ट किया है एक ऐसे बड़े से DIY में, और ये सब DIY जुगाड़ मैंने इनके लिए किया है। ये देखो एक कार्टन का बॉक्स था पड़ा हुआ, उसको ही मैंने कट करके
और मिट्टी भर के फिर इनके लिए लगा दिए हैं। इसमें भी हमारी ये देखो एक बैंगन लगा है यहाँ पर। तो ये तीन पौधे हैं बैंगन के बेसिकली जो मैंने इस तरफ ट्रांसप्लांट किए हैं। और ये है लगा है बैंगन जिसकी हम बाद में करेंगे हार्वेस्टिंग, अभी भी ये सॉफ्ट है। हालांकि ये गोल वाले ही हैं छोटे, लेकिन फिर भी ये अभी सही चल रहा है। और इसमें भी काफ़ी सारी बर्ड्स आ रही थी, मैं दिखाती हूँ आपको। अभी मुझे नहीं दिख रहा है, ये नीचे की तरफ हैं बर्ड्स इसकी। और इसमें भी बर्ड्स तो ठीक आ गई, चलिए अभी नहीं दिख रही हैं तो कोई बात नहीं, अभी सिर्फ फूल दिख रहे हैं। तो थोड़े दिन में इस पे बैंगन लगेंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। और उसके साथ साथ ये हमारी छोटी सी क्यारी, इसमें तो काफ़ी कुछ लग रहा है, चलिए आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें चने लग रहे हैं और ये बीच में पता नहीं है चने सूख भी रहे हैं, पता नहीं पानी की कमी से शायद सूख जा रहे होंगे। तो इनको निकाल देते हैं, देखिए या तो इनकी रूट्स गल गई, रूट रॉट हो गया, इसलिए ये ऐसे पौधे मुरझा गए। बेसिकली रूट रॉट लग रही है मुझे। उस तरफ भी देखिए कुछ पौधे सूख गए हैं और कुछ अच्छे भी चल रहे हैं, ये देखो। और यहाँ पे ये राई है, ये है हमारा लहसुन, और ये हमारी धनिया, देखो धनिया भी बहुत अच्छी हो गई है, देखो ये है धनिया। और इस तरफ भी ये, और इस तरफ भी ये धनिया भी छोटी छोटी है। और इसमें काफ़ी सारी तुलसी लगी है हमारी, तुलसी भी काफ़ी अच्छी हो रही है और सीड्स भी बनते जा रहे हैं इसके। तो वैसे तो हम इसके सीड्स निकाल देते हैं ताकि ये पत्तों पर ही रहे, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो एक आधे पौधे पे सीड्स रहने दें जैसे ये है, ताकि आप इसके सीड्स फिर सेव कर पाएँ। और जब आपके पास तुलसी नहीं हो तो फिर आप उन सीड्स से इनको ग्रो कर पाएँ। चलिए फ्रेंड्स आगे लेके चलती हूँ आपको, वो कॉर्नर अभी नहीं दिखा रही हूँ। यहाँ मेरी मिर्च में काफ़ी सारे फूल अभी आए हुए हैं और मैंने इसमें कुछ फर्टिलाइज़र ऐड किए हैं, देखते हैं अब ये फ्रूटिंग पे कब तक आता है। यहाँ पर हमारे ये देखिए हमारी ये स्टॉक इस पर बर्ड आ रही है, जल्दी ये फूल बन जाएगा। और ये हमारे मैरीगोल्ड्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, इसमें काफ़ी कुछ लग रहा है वैसे। ये है कुछ नाम भूल गई मैं एक्चुअली इनका, लेकिन कैलेंडुला जैसे ही लग रहे हैं, बट ये कैलेंडुला तो नहीं है शायद, या हो भी सकती है मैं भूल गई। ये हॉलीहॉक्स लग रहे हैं पीछे, और ये स्टॉक तो मैंने आपको दिखाई दिया, चार पांच तरह के इसमें फूल लग रहे हैं। और ये हमारे टमाटर के पौधे, इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी के सीड्स डाले हैं, लेट्स सी कब तक जर्मिनेट होते हैं। और उसके बाद ये है हमारी ब्रोकलीज जो कि भी बहुत छोटी हैं, तो जल्दी ये बड़े हो जाएंगे तो और ट्रांसप्लांट के लायक हो जाएंगे, तो मैं इसको ट्रांसप्लांट करूँगी। उसके साथ साथ यहाँ हमारी नीचे लग रही हैं मूलियाँ और अच्छी चल रही हैं, कीड़ों का इस पर काफ़ी अटैक हुआ, मैंने बार बार निकाल के फेंका उनको, और अभी भी मुझे कॉन्टीन्यूसली इनको चेक करते ही रहना पड़ेगा। वो ग्रीन वाली जो होती है कैटरपिलर सी, वो लग जाती है इसके नीचे, पत्ते खाती है उसके, फिर आपकी मूली कहाँ से ग्रो करेगी अगर पत्ते ही नहीं रहेंगे तो। ठीक है, तो ये हमारी और राई हो रही है यहाँ पे। उसके बाद हमारी प्याज थी, मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था कैसे लगानी है, तो ये उसकी अपडेट है। सारी अपडेट एक्चुअली इस वीडियो में मिल ही रही है आपको, जो जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती जा रही हूँ। तो ये हो गई है देखिए तीन, ये एक दो तीन और भी है यहाँ पर डाली हुई है, निकल के आएगी तो आपको पता चलेगा। ये देखो ये पत्ते सूख गए। उसके बाद ये हमारी मूलियाँ, इसकी सीड्स मैंने आप लोगों के सामने ही डाले थे आपको याद होगा, बट अभी ये बहुत ज़्यादा घनी हो गई है, दो क्योंकि कई जगह मैंने दो दो सीड्स डाले थे, वो दोनों के दोनों ही बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो रखे हैं, बहुत अच्छी चल रही है। बट इसकी थिनिंग मैं जल्दी ही करूँगी और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मे बी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिले, क्योंकि दो दो तो एक साथ नहीं लग पाएंगे। देखो नीचे दो दो है ये, तो इनमें से एक को जो थोड़ा सही सी नहीं लगेगी, वैसे तो ये सारी ही बहुत अच्छी चल रही है मैं अगर आपको बताऊँ तो बट फिर भी अभी ये इनकी थिनिंग करनी पड़ेगी तभी हमको मूली मिल पाएगी, अदरवाइज पत्ते पत्ते ग्रो होते रहेंगे और मूली नीचे नहीं लग पाएगी। उसके साथ इसमें भी बहुत सारे हमारे लहसुन लगी है, और ये देख सकते हैं आप राई। और यहाँ पे मैंने जो न्यू प्लांट्स लाए थे इनकी हालत तो बहुत ही ख़राब हो चुकी है, ये देखो। तो अभी इनको हटा के मुझे एक्चुअली मैंने जल्दी दिखाई इनको ट्रांसप्लांट करने में, मुझे दो तीन दिन वेट करना चाहिए था, बट मैंने जिस दिन लेके आई मैंने उसके नेक्स्ट डे ही इनको लगा दिया था। और ये तो किसी भी तरीके से सरवाइव कर रहा है फिर भी, मगर बाकी ये वर्बीना अभी सरवाइव नहीं कर पाई क्योंकि दिन का टेम्परेचर अभी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो
हो सकता है अगर इनकी जड़ें वगैरह बची रहीं तो, ये जैसे मैंने कट कर दिया है यहाँ से, अगर जड़ें इनकी सही रही तो फिर ये अभी दोबारा शूट भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कैलेंडुला लगा दिए हैं दो, ये मैंने सीड से ग्रो किए थे, देखो दो पौधे ये अच्छे चल रहे हैं। और ये भी बेचारा चल रहा है, मर रहा है, कुछ पता नहीं है। इसके साथ साथ मेरे यहाँ पे ये देखो, ये सब सीड से लगाए हुए हैं, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था जब सीड्स लगाए थे। तो ये है हमारे मैरीगोल्ड्स, बहुत सारी बड़ आ गई है इस पर और लीफ भी इसकी थोड़ी थोड़ी कर्ल हो रही है। तो इसके लिए आप प्रॉपर बार बार हम इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहे वीकली, क्योंकि अभी कीड़े नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फूल भी बन रहे हैं। तो वीकली सही रहेगा या फिर 4-5 दिन में आप ये ट्राई कर सकते हैं, जो कि मैं अभी करने वाली हूँ। मैं भी बर्ड्स आ गई हैं और यहाँ पर हमारा पुदीना है काफ़ी अच्छा, यहाँ पर हमारा धनिया राई, और ये भी है हमारा धनिया, देखिए ये काफ़ी अच्छा हो गया है, 2-4 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये हमारी पालक की हार्वेस्ट मैंने आप लोगों को दिखाई थी, उसके साथ साथ ये अब नई दोबारा से शूट्स आ गई हैं, देखिए पत्ते बड़े होते जा रहे हैं। और हमारी जुकिनीज़, ये देखिए जुकिनी का काउंटर, मेरा जुकिनी का कॉर्नर, तो ये काफ़ी अच्छी ग्रो कर गई हैं, वो लंबी वाली थी, ये गोल वाली हैं, और ये फीमेल फ्लावर्स भी अब इस पर आने लगे हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए वीडियो मैंने थोड़ा सा डाला था, ये देखिए ये है ग्रीन कलर की हमारी छोटी सी जुकिनी, इसका फ्लावर तो अभी नहीं खिला है, लेकिन कोशिश कर रहा है कि जल्दी से इसका फ्लावर खिले, मेरी कोशिश क्या है मतलब उम्मीद है ऐसी कि जल्दी से इसका फ्लावर खिले। और इसके आसपास काफ़ी चीज़ें लग रही हैं, पालक, मूली, पता नहीं क्या क्या लग रहा है, वो सब मैं क्लियर कर रही हूँ। ये देखिए जिस कीड़े की मैं बात कर रही थी आपसे, जो मूली के पत्ते खाता है, ये देखो ये आपको दिख जाएगी, और ये देखा आपने, ये ग्रीन वाला, और ये इसके एग्ज़ हैं, ये देखो इस पे इसने एग्स डाल दिए, यहीं से इसके बच्चे निकलेंगे और फिर ये सारे बर्बाद कर देंगे, तो ये इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। केमिकल में तो आप एक बार केमिकल डालो और आपको इनसे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक करना है तो फिर ये चीज़ें आपको खुद से डील करनी पड़ती हैं। तो इनको तो चलिए एग्स है तो मैं वैसे ही हटा दूँगी, बट हो सकता है कि इसमें और भी हों, चलिए ये काम थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा अब। इसमें अभी काफ़ी सारी जुकिनीज लग रही हैं नीचे, जैसा मुझे लग रहा है कि हाँ ये फीमेल फ्लावर्स हैं, तो देखते हैं कब तक इसमें क्या लग पाता है। ये फ्लावर, इसका अभी तक कोई फ्लावर खिला हुआ नहीं दिखा मुझे, खिलेगा तो बहुत सुंदर लगता है इसका फ्लावर, वो भी शेयर करूँगी। ये देखो इसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी राउंड वाली है, ये देखो छोटी सी, इसका तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों से शेयर किया था ना, आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ देखिएगा। तो ये अरे पत्तों के पीछे छुप गई वो, एक्चुअली इसमें भी काफ़ी सारी मूलियाँ हैं, वैसे मैं निकाल देती हूँ। ये देखो ये छोटी सी दिख रही है आपको, ये येलो कलर का है राउंड जुकिनी, तो देखते हैं। ये पौधा मेरा एक्चुअली ख़राब हो गया, इसमें काफ़ी कीड़ों का अटैक हो गया था, मुझे काफ़ी हटानी पड़ी इसकी हेड्स, और अब मुझे नहीं लगता कि इसे ग्रो करेगा, तो मैं इस पूरे को ही हटाने वाली हूँ, देखते हैं 1-2 दिन में। और इसमें मूलियाँ लगी हैं, यहाँ पर प्रॉपर धूप नहीं आ पा रही है इसके पत्तों के नीचे से, तो पत्ते तो ग्रो हो रहे हैं बट ये काफ़ी लैगी हैं, और मूलियाँ भी सही नहीं लग रही है मुझे नीचे, तो देखते हैं। ये भी निकाल दूँगी, इसके बाद दोबारा लगाएंगे। ये मेरे एप्पल बेर हैं, बहुत सारे इस पर फूल आ रहे हैं, और देखिए बट बेर अभी तक कोई नहीं बना। तो ये अनार के फूल, ये तो चढ़ ही जाएगा, एक ही फूल है ये इस पर अब। तो ये मैंने नया बेड तैयार किया है जिसमें लगाए हैं टमाटर के पौधे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पौधे हैं यहाँ पे टमाटर के, और कुछ मैंने यहाँ पे ग्रीन्स लगाई हैं, वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, तो देखते हैं दोबारा अगर मैं डालूंगी तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैंने लगाया है। इसमें है कुछ लेटस और कुछ पार्सले है वहाँ पे, तो देखते हैं इसके बीज कब तक जर्मिनेट होते हैं, फिर मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी। कुछ यहाँ पे हमारी लगी है एक पर्पल कैबेज, ये हमारी ऑर्नामेंटल वाली है, और ये मैंने सारे न्यू पॉट्स ट्रांसफ़र किए हैं। इसका पाइनएप्पल हम खा चुके हैं, दोबारा से मैंने इसको लगा दिया है एक नए गमले में मिट्टी डाल के, वो दो शूट्स नई छोटी लगाई हैं, अगर ये चल जाएंगी तो फिर इनको बड़े गमले में बाद में शिफ्ट कर देंगे। और ये हमारी गुलदाउदी, ये पिंचिंग कर दी है मैंने, देखो यहाँ से पिंच किया था, तो ये 3 शूट्स आई हैं नई, जल्दी ही ये ग्रो करेगी। ये हमारे टमाटर, ये हमने थोड़ा पहले लगा लिए थे, तो ये अब फ्लावरिंग पे आ गए हैं, देखो
ये आपको छोटे से फ्लावर्स यहाँ पे दिखेंगे इसके, यहाँ पे और इसमें भी। ये देखो ये भी फ्लावरिंग पे आ गया है। ये इसके फ्लावर्स तो ये है। और जब आपको पौधा फ्लावरिंग पे आए तो आप उसको बार बार पेस्ट के लिए चेक कीजिए, स्पेशली ऑर्गेनिक में, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देते तो फिर बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। तो ये है हमारी कुछ अरबी भी लगी है, हमारी बीट रूट्स, ये देखो बीट रूट्स, मेथी, पालक, ये बीट रूट्स है रेड वाली जो आपको दिख रही हैं, और बीच में पालक है। चुलाई भी लग रही है इसमें, तो पता नहीं खुद से ही काफ़ी कुछ लग रहा है। बीट रूट्स तो मैंने लगाई हैं, बट पालक, चुलाई और टमाटर मैंने लगाए हैं। अरबी पिछली लगी हुई है और शायद अरबी भी बन जाए। वेट है मुझे इसकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी तब नहीं लग रही थी, अब थोड़ा मौसम ठीक हुआ है तो देखते हैं क्या होता है, कैसे चलता है। सो फ्रेंड्स, ये तो अभी हाफ से ज़्यादा, मतलब 3/4 अपडेट हो गई है मेरे गार्डन की। उसके बाद ये वाला एरिया जो है पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक, ये वाला एरिया मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप गार्डनिंग। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियोज़ की। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि जब तक ये वीडियो कम्प्लीट होगा ये फूल खिल जाएगा। तो ये देखिए कितना सुंदर लगता है ये खिला हुआ। इसमें वाइट कलर का है बेसिकली, लेकिन इसके बीच में ना पिंक कलर का टेंच है, और इसकी लाइन्स जो हैं, इसकी वेन्स, ये भी पिंक कलर की है। और ये भी खिल रहा था, ये भी खिल गया पूरा।